हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि हु इज़ योर डिस्टाइन लाइफ पार्टनर। आपके डिस्टाइन लाइफ पार्टनर कौन है, किसको ईश्वर ने आपके लिए चूज किया है। तो यहाँ पे हम बेसिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा है, प्लस जब वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या कुछ यहाँ पे होगा, एंड आप लोग के लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड आई होप कि आप सब लोगों का जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है वो अच्छा रहा हो। मैं विश नहीं कर पाई थी कम्युनिटी पे बिकॉज मैं कल पूरे दिन ही बिजी थी और इसीलिए कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है। एंड नेक्स्ट डे आप लोग के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, सो होपफुली आज रात तक ही अपलोड हो जाएगी। एंड फुल मून भी था, पूर्णिमा भी थी, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं भाई, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज अपलिफ्ट होती है, डाउन भी होती है। सो आपके एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करिएगा कि कैसा रहा ओवरऑल। और जस्ट आप सब लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आप सब लोगों के जो भी गुरु हैं उनका आशीर्वाद हमेशा आप लोग के ऊपर बना रहे, ठीक है। सो आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं आज की रीडिंग के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस, एंड इसके साथ है यहाँ पे ये लेपिडो लाइट का स्टोन, बहुत ही सुंदर स्टोन है ये। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे हाई प्रीस्ट, और उसके साथ है यहाँ पे ये सेलेनाइट का स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद ये दोनों स्टोन्स या फिर कार्ड जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपके रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोगों को ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन वन, तो अगर आप लोगों ने हाई प्रिस्टेस और साथ में लेपिडोलाइट का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं कौन होंगे वो जिससे आपकी शादी होगी, ईश्वर ने किसको आपके भाग्य में लिखा हुआ है और उनके साथ कैसा रहेगा आपका, ठीक है, सारा कुछ। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इस कार्ड को एंड ये क्रिस्टल को भी। प्यार को लेके आपने पेन भी बहुत सहा है ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन स्टिल प्यार पे आपको विश्वास है, प्यार पे आपको बिलीव है ना। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए। ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक कि बहुत ज्यादा यू नो, मुझे एक ऐसा फेस नजर आ रहा है कि अंदर से बहुत पेन है लेकिन कोई ऊपर से स्माइल कर रहा है। लाइक आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव यू नो काइंड ऑफ पर्सन होंगे, लाइक कुछ भी नेगेटिव हो जाए लेकिन उसमें आप लोग पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढते होंगे, अपने आप को संभालने की कोशिश करते होंगे, लेकिन कुछ शिकायतें हैं आपको अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। एंड जस्ट यू नो, आप लोग को ये जानना है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे लिए बना भी है, या फिर मुझे अकेले ही रहना है, मुझे अकेले ही जीना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोग के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक बहुत टाइम हो गया आपको ढूंढते ढूंढते या फिर आपको वेट करते करते, रिलेशनशिप जो भी आपकी ज़िंदगी में आए वो वर्क नहीं करे, एंड उम्मीदें आपको मिली, होप्स आपको मिली, ठीक है, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाई, है ना। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे आप लोग के लिए क्या आता है। ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ठीक है, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, दिए को भी मैं साइड से रख देती हूँ। Three of Swords, मैंने कहा ही था भाई दिल टूटा है आप लोगों का, परेशान हुए हो, तकलीफ हुई है। The Empress, number three, again.
हील भी किया है खुद को साथ के साथ, स्ट्रेंथ ठीक है। पेज ऑफ सॉट्स ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी जिंदगी में, आप लोग का ऐसा सा हो गया है ना ऑप्शन फर्स्ट के, मिले तो कोई अच्छा इंसान मिले आपको आपके अकॉर्डिंग मिले, अदरवाइज से आप लोग तो ऐसा है कि हम सिंगल रह लेंगे, अपने सोल पर्पस को पूरा करते हुए जी लेंगे या कुछ भी कर लेंगे है ना। लेकिन आपको चाहिए सेम वाइब्रेशन का पर्सन ठीक है। आप लोग एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप लोगों ने एक बात को पकड़ के बैठ लिया है कि मुझे ऐसा ही पर्सन मेरी ज़िंदगी में चाहिए, मुझे ऐसा ही पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए। बिकॉज़ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा, अब ये एम्प्रेस है, अब ये खुद में एम्प्रेस है तो ये किसी और के साथ यू नो एडजस्ट कर ही नहीं सकती, इसे एम्परर ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, खुद को यू नो बहुत ज्यादा एक आप लेवल पे लेके गए हो, अपने आप को बहुत ज्यादा यू नो संवारा है, सजाया है, खुद को हील भी किया है, एक अच्छे मुकाम पे भी आप लोग होंगे। तो एम्प्रेस के भाई एम्परर के साथ ही बन सकती है, आप सोचें इसके किसी पेज नाइट के साथ बन जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल है ना। तो वैसा ही आप लोग के साथ दिक्कत यह आ रही है शायद कि आपको कोई आपके अकॉर्डिंग ही नहीं मिल पा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग फॉर राइट टाइम कि कब वो पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, कब वो आपको मिलेगा। और डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप्स आपके वर्क भी नहीं करे हैं तो उसकी वजह से भी एक निगेटिविटी आपके मन में है थोड़ी सी, आप लोगों ने उसको हील किया है लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत यहाँ पे नेगेटिविटी आप लोगों के मन में है। अभी मैं बात करूँ कि आपके डिस्टाइंड लाइफ पार्टनर कौन है तो मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट। नाइन ऑफ कप ओके, दी हायरोफेंट वेरी नाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स ठीक है, टू ऑफ कप्स ठीक है। पर ये जो भी पर्सन है मैं पहले ही बता दूं बड़े स्पिरिचुअल होंगे, ये खुद भी बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, और जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा जॉली नेचर टाइप होना, बहुत ज्यादा खुश मिजाज टाइप का इंसान होना कि हमेशा हंसते रहना, जैसे जोक्स यू नो जोक्स मारते रहना, तो वो वाली सी मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ। ये बहुत ज्यादा इनका ना डुअल पर्सनैलिटी होगी, कहीं ना कहीं आप लोग अगर जब इनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि एक वक्त को तो यू नो ये इतना जैसे कि किसी पार्टी में है तो ये ऐसे एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसे डांस कर रहे होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके अंदर इतनी डेप्थ भी है। लेकिन दूसरे टाइम पे जब आप इनसे अकेले मिलोगे, आप इनसे बात करोगे तो ये इतना ज्यादा डीप चले जाते होंगे चीजों में, एनर्जेटिक यू नो एनर्जी वाइज या फिर स्पिरिचुअलिटी में, कि आपको लगता होगा कि ये दोनों कितनी यू नो अलग अलग पर्सनैलिटी है इस पर्सन में, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस ये जो पर्सन है इनसे मिलने के बाद यू नो आप विद इन अ सेकेंड या फिर जस्ट कुछ टाइम आप स्पेंड करने के बाद ही आप पहचान जाओगे कि यही वही पर्सन है जिसको ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा है। बिकॉज यहाँ पे है टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोग बहुत जैसे कि यू नो जब भी आपकी कन्वर्जेशन होगी, जब भी आप बात करोगे तो वो जो इंस्टेंट कनेक्शन होता है ना कहीं आप वो फील कर पाओगे, डेफिनेटली टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन, यहाँ पे बिकॉज हेरोफेंट का भी कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा भी मैसेज दिला रहा है कि ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आए हैं ना, शायद किसी बर्थ में या फिर किसी जन्म में आपने इनके साथ प्रॉमिस किया होगा कि आप दोनों साथ में रहोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का आप लोगों का होगा जिससे आप लोग का मैं देख रही हूँ कि आप पूरा करोगे। आपकी लाइफ में जो डिले हुआ है, शादी को लेके शायद डिले हुआ है या फिर ये पर्सन के आने में ही डिले हुआ, लेकिन जो भी डिले हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज उससे पहले आपकी लाइफ में भी एक जर्नी चल रही थी और इस पर्सन की लाइफ में भी एक जर्नी चल रही थी। जब आप इनसे मिलोगे तो यू नो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपको सारी बातें खुल के बता देंगे कि ऐसा ऐसा मेरा पास्ट में हुआ, ये तो ऐसे चल रहते होंगे जैसे इनके साथ कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं है, ये तो हमेशा से जैसे एक खुश इंसान है, कुछ ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज नजर आ रही हैं। लेकिन डीप विद इन ना
इन्होंने पेन सहा भी होगा और पेन को हील भी किया होगा, पेन को एक्सेप्ट भी किया होगा, पेन को एडमायर भी किया होगा, और इसीलिए ये खुश भी होंगे। अपने पेन से, अपने दर्द से इनने बहुत कुछ सीखा होगा। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट करिए, आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे तो ये पर्सन आपको मिलेंगे। लेकिन इजीली नहीं मिलेंगे पर्सन, मैं आपको बताऊं तो। ये पर्सन के मिलने से पहले आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज ही रखना पड़ेगा। अगर आप डाउन फील करोगे, ऐसी कोई भी चीज होगी तो आप में डिस्टेंस क्रिएट होगी। तो बेटर यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए जितना हो सके, ठीक है। अभी मैं कुछ और देखती हूँ कार्ड, जिससे मुझे इनके बारे में थोड़ा सा और पता चले कि ये पर्सन क्या है, कौन है। ऑप्शन फर्स्ट, एज ऑफ कॉइंस, ठीक है, फाइव ऑफ सॉट्स। मैंने कहा ना कि पेन को सहा है इनने भी, इनने भी क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कॉइंस। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्स के बीच में फोर ऑफ वॉन्स यहाँ पे है। जब आप इस पर्सन से मिलोगे, हो सकता है कि उस वक्त किसी और के साथ डील कर रहे हो, या फिर खुद भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। अभी यहाँ पे देखो, आपने हाई प्रिस्टेस को चूज किया है और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, ठीक है। अभी मैं बात करूँ, हाँ, जब आप इस पर्सन से मिलो तो हो सकता है कि ये किसी और लेडी से डील कर रहे हो। वो जिसके साथ भी डील कर रहे होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि वो उनका सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके साथ एक कार्मिक रिश्ते में होंगे, एक कार्मिक रिलेशनशिप में होंगे। और जब आप इनको मिलोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ वो कनेक्शन फील कर पाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे बड़ा ही सारा ड्रामा क्रिएट होगा। सीरियसली, यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन फील हो रही है कि वो ड्रामा क्रिएट होना, वो सीन क्रिएट होना, काफी ज्यादा मुश्किलें भी आना, लेकिन उसके बाद चीजें जो है वो सही भी हो जाएंगी, ये भी यहाँ पे श्योर है। एट ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो आई एम फीलिंग लाइक आप इनसे किसी ट्रिप पे मिल सकते हो, किसी ट्रिप पे आप लोग कहीं घूमने गए हो, किसी ट्रिप पे गए हो, अपने वर्क के रिलेटेड आप इनसे मिल सकते हो, आपके कैरियर के रिलेटेड कोई बिजनेस मीटिंग है या फिर कोई मीटिंग वगैरह टाइप, उसमें भी आप इनसे मिल सकते हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन भी है, लाइक ऑनलाइन भी आप मिलोगे तो कैरियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, ना किसी किसी पर किसी ना किसी पर्पज से ही आप इनसे मिलोगे। ऐसा नहीं कि राह चलते मुलाकात हो गई, वो चीज यहाँ पे नहीं मुझे नजर आ रही है, लेकिन किसी ना किसी पर्पज से आप लोग इनसे मिले होंगे। एंड बातचीत के बाद आपकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी रही, अच्छी हो जाएगी, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो अभी देख लेते हैं कि जब आप इनसे मिल जाओगे तो उसके बाद आपका कैसा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट, केयरिंग कनेक्शन। बहुत ही केयर करोगे भाई एक दूसरे की, बहुत ही ख्याल रखोगे एक दूसरे की जरूरतों का। और जैसे होता है ना कि बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ ली, एक दूसरे को किस चीज की जरूरत है इसको समझ लिया, तो कहीं ना कहीं वो पूरा करोगे। आई एम फीलिंग लाइक एक दूसरे को सरप्राइजेस देना, सरप्राइज गिफ्ट देना, फ्लावर्स देना, वो सारी चीजें भी यहाँ पे चलेंगी। एंड नेक्स्ट कार्ड तो आप लोग देख ही रहे हो, डोर टू रोमांस, तो भाई मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। काफी प्यार रहेगा और एक दूसरे के लिए आई एम फीलिंग लाइक आप पैशनेट भी बहुत होंगे। और
और ये पता है ये वाली चीज जो है, मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आपका जैसे यू नो स्टार्टिंग में तो हर रिश्ते में ही रहता है एक दूसरे के लिए, लेकिन आपका ये हमेशा चलेगा। यहाँ पे आप लोग यू नो वो डिस्टेंस भी मेंटेन करोगे कि रिश्ता बोरिंग ना हो जाए, या फिर हम एक दूसरे की यू नो प्राइवेसी में दखल ना दें, तो वो डिस्टेंस भी आप रखोगे, लेकिन वो कैसे बोलूँ मैं, आपस में वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ चक्रा, तो इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा पे असर पड़ेगा, या तो आप अपनी बातें कह नहीं पाते होंगे, कहने से डरते होंगे, या फिर कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन से मिलने के बाद आपका जो थ्रोट चक्रा है वो ओपन होगा, आप अपनी बातें कह पाएंगे, दूसरों की बातों को समझ पाएंगे, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। नंबर 11 कानुकूपिया, वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट, मतलब बिल्कुल यहाँ पे जो एनर्जी है कानुकूपिया से एकदम बरकत वाली, खुशियों वाली, कि घर में सारे यू नो फैसिलिटीज हैं, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, किचन में सारा कुछ यू नो अनाज वगैरह सब कुछ भरा हुआ है, तो एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन आप लोग खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस समझोगे, ठीक है। आपको ऐसा रहेगा कि चाहे थोड़ा देर से रहा सही, लेकिन अच्छा हुआ, वो वाली चीज यहाँ पे है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, सो यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है आप लोग साथ में मिले, तो या तो आपकी या फिर इस पर्सन की थोड़ा सा फाइनेंशियल वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे किसी ना किसी के साथ, लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि आप दोनों वो मैनेज कर लोगे। यहाँ पे दिक्कतें तो हैं जो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन साथ में कानुकोपिया का भी कार्ड है, ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज को आप मैनिफेस्ट करके हील नहीं कर सकते, अगर फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप डेफिनेटली हीलिंग करिएगा, अपनी मैनिफेस्टेशन करिएगा, ठीक है, ये कमी जो है ये भी पूरी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे है नंबर 11, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको खुद को ही हील करना है, अभी आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे है। उसके साथ से यहाँ पे और देख लेती हूँ गाइडेंस ऑप्शन फर्स्ट, ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, ये मुझे वो शादी वाले ड्रम नजर आ रहे हैं, वो जो ढोल बजते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये ड्रम पढ़ के मुझे वही वाला ड्रम नजर आया सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो शायद काफी ज्यादा यू नो आप लोग की शादी जो होगी वो काफी अच्छे से होगी, काफी धूमधाम से होगी, सारे यू नो सबको इनवाइट करना, अब जैसे कोविड में हुई थी शादियां तो इतने इतने यू नो बस फॉर्मेलिटी हुई थी लेकिन आप लोग का काफी अच्छा यू नो जैसे मुझे वेन्यू है काफी अच्छी है, वहाँ पे डेकोरेशन है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रही हैं। एंड ड्रीम एंड जर्नी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि अपने ड्रीम को पूरा करो, अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करो, जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करो, ठीक है, और अपनी खुशियों को अभी अपने विदिन ही ढूंढने की कोशिश करो। ये जो पर्सन से आप जब मिलोगे वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे, ठीक है, यहाँ पे अपना ही डिवाइन टाइमिंग है भाई। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, भाई आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई डोंट नो किसी ना किसी तरीके से, आप शायद कैंडल्स के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या आप कोई रिचुअल्स यू नो मुझे ऐसा स्पेल्स वगैरह टाइप होता है, मुझे वो नजर आ रहे हैं, स्पेल्स वगैरह सीख रहे हो, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है भाई, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, स्पेल्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप लोग कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन समटाइम्स सोचते हो होगा भी कि नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मंत्रा चैंटिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं बता सकती, बिकॉज एक तो जनरल रीडिंग है और दूसरा अपने डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे ये पर्सन, ठीक है, आपको बस खुद को ही हील करते रहना है अभी। ट्रू, होल्ड द स्पेस, यहाँ पे आपने देखो, अच्छा तो यहाँ पे कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है, आपने अपनी यूनिवर्सेस विश को मैनिफेस्ट किया, लेकिन एक टाइम आता है ना कि अपनी विश को लेट गो कर दो, अभी जब यूनिवर्स को पूरा करना होगा, यूनिवर्स अपने टाइम पे उसको डिवाइन टाइमिंग पे पूरा कर देगी, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आप थोड़ा सा चीजों को लेट गो करो और अपना ध्यान अपनी जो भी
अपनी एनर्जीज हैं वो अपने नेक्स्ट गोल की तरफ सेट करो, कि आपका नेक्स्ट यू नो प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, उस पे आप सेट करो. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो. मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी. अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय. हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने हाई प्रेस्ट और साथ में ये सेलेनाइट के क्रिस्टल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो. सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, एंड ये सेलेनाइट क्रिस्टल को भी. ओके, बाद में बताऊंगी यहाँ से जो मैसेज मिला है आप लोगों को ऑप्शन टू, पहले मैं कंफर्म करने के लिए कुछ कार्ड देख लो. ऑप्शन टू, बहुत सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में उलझी हुई हैं ऑप्शन, उनको सॉर्ट करना है. बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं यहाँ पे आपके लाइफ में, और क्लैरिटी चाहते हो बेसिकली, सुकून चाहते हो, लेकिन वो शांति वो सुकून नहीं मिल पा रहा है ना. कुछ ऐसी चीजें मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं, और प्यार तो है बहुत सारा लेकिन पेन भी बहुत है उसके साथ, ये चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ. थ्री ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप और जो भी, किंग ऑफ कप्स. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ठीक है बाद नहीं बताऊंगी ये वाली बात तो अभी कुछ कार्ड देख के, लेकिन अगर आपकी करंट एनर्जीज की बात करूं तो फिलहाल की एनर्जीज ऐसी है कि बहुत थोड़ा सा यू नो, बहुत थोड़ा सा नहीं बट परेशान हो आप लोग, कंफ्यूज्ड हो आप लोग बहुत ज़्यादा, और क्लैरिटी चाहिए. हो सकता है कि जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो आपके आप रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ भी, वो शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हों, और आपके ऊपर फैमिली की साइड से प्रेशर आ रहा हो कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो. तो मतलब यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है. आप लोग फिलहाल ये जानना चाहते हो कि ये जो पर्सन है इसी के साथ मेरी शादी होगी, या फिर यहाँ पे से मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, देन मेरी शादी किसी और से होगी. वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं. लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और आपकी सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है कि कोई आपको कुछ रेमेडी कुछ भी बोल देना आप वो कर लोगे, लेकिन आप चीज़ों को यू नो सही करना चाहते हो, आप चीज़ों को सुधारना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं उनको सॉर्ट करना चाहते हो. आप लोगों के मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि कहीं कुछ टाइप की नेगेटिविटी तो नहीं है, या सामने वाला पर्सन ने कुछ कर दिया, वो बदल गया, वो क्या हो गया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन टू मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ. एंड रिश्ता तो है लेकिन सिचुएशन फेवर में नहीं है, सिचुएशन बहुत ही अपोजिट चल रही है, और कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि देखो ये जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो तो हम अभी देखेंगे कि शादी होगी या फिर किसके साथ होगी, वो तो अभी बात करेंगे ठीक है, कि यही है वो या कोई और है. अभी तो मैं आपकी ही एनर्जीज चेक कर रही हूँ. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि आप जिस भी रिश्ते में हो, चाहे सेपरेशन हो गया या जो भी कुछ है, लेकिन आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनके साथ आप जब से आए होंगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई होंगी लाइफ में, है ना. क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ थोड़ा सा आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो था मैं फील कर पा रही हूँ, और खुशियाँ भी मिली, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि केवल यू नो स्ट्रेस मिला है, खुशियाँ भी मिली हैं आपको. लेकिन ये पर्सन तो अच्छे होंगे, लेकिन इनके साथ साथ या फिर इनके फ्रेंड्स इनके फैमिली मेम्बर्स या कुछ भी कह लीजिए अदर चीज़ें बड़ी ख़राब रही होंगी, है ना. बिकॉज यहाँ पे भी मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि ये पर्सन इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ भी बोले हो, आपसे कुछ छुपाया भी हो, ये दिल के तो बुरे नहीं होंगे, लेकिन शायद इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी रही हैं, कुछ रीजन ऐसे रहे हैं कि ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, है ना. कुछ ऐसा यहाँ पे है, मैं भी इसको साइड से रख देती हूँ,
एंड मैं कुछ और कार्ड से देखती हूँ। अच्छा चलो पहले इसी डेक से देख लेती हूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे, कौन है ये पर्सन। ऑप्शन टू, ये पहले भी आ रहा था, फाइव ऑफ वंड्स। Two of Pentacles, Knight of Cups। ऑप्शन टू आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि आप लोगों की एक जिद है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो आपको उसके साथ शादी करनी है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो या आप सही हो, लेकिन ये आपका मन है कि आपको इसी पर्सन के साथ शादी करनी है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, जो मैं वाइट स्पेल्स यू नो वाइट मैजिक की बात कर रही हूँ, मैनिफेस्ट करना वो सारी चीज़ें है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो अपने एफर्ट लगा दिए अपने, तो शादी तो आपकी इनके साथ हो जाएगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ कि खुश आप तभी भी रहोगे या फिर नहीं रहोगे, बिकॉज इस पर्सन के साथ चीज़ें यू नो शादी तो आप जिद से कर लोगे, शादी तो हो जाएगी, आप लोगों ने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए तो फिर यू नो एक होता है ना कि यूनिवर्स मजबूर हो गया कि इस पर्सन के साथ वो शादी होकर रहेगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप शादी के बाद भी खुश रहोगे या फिर नहीं रहोगे। बिकॉज यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, लड़ाई झगड़े चीज़ें ऐसे ही चलना, और शायद से ये पर्सन आपको सपोर्ट भी ना करे, और फिर ऐसा हो कि आप अकेले ही हो जाओ, समझ रहे हो, क्योंकि जबरदस्ती यू नो नहीं करवाना चाहिए हमें कोई काम। मुझे नहीं पता कि मैं जनरल रीडिंग में ऐसे मैसेज क्यों दे रही हूँ, लेकिन अब शायद किसी के लिए तो होगा इसीलिए मिल रहा है ये मैसेज, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि चीज़ों को लेट गो करो और जबरदस्ती ना करो। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी होता है। हो सकता है आपको लगता हो कि यही मेरे ट्विन फ्लेम है, यही मेरे सोलमेट हैं, लेकिन ये आपके कार्मिक हैं, और ये आपको बहुत बुरा लगेगा। मुझे पता है कि जब मैं ऐसे कह रही हूँ तो आपको हर्ट होगा, और शायद आपको गुस्सा भी आ रहा हो मेरे ऊपर, या फिर आई डोंट नो, लेकिन भाई मुझे तो आपको गाइडेंस देनी ही होगी ना, जो सही है वो तो मुझे आपको बताना ही होगा, है ना। तो इत्मीनान के साथ सुनिएगा ऑप्शन टू, कि यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ईश्वर डिवाइन, बिकॉज आप लोग दिल के सच्चे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो गलत इंटेंशन से नहीं कर रहे, आप लोग प्यार में मजबूर हो के या जिस भी चीज़ से कर रहे हो, लेकिन डिवाइन आपके लिए किसी ना किसी को भेजेंगे आपकी आपकी लाइफ में। आप ये चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू आए या फिर कोई और प्रपोजल आपके सामने आए, लेकिन आएगा तो सही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन आपका होगा कि आप वो लड़ाई झगड़े को ही चूज करते हो, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में पुरानी चीजों को लेट गो करके एक नई शुरुआत करते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका चुनाव, यू नो आप क्या डिसाइड करते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, इस बात पे आपकी जो आगे की लाइफ है वो डिपेंड करेगी। तो दो यू नो दो उसमें यहाँ पे आपकी लाइफ झूल रही है बेसिकली। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगी, तो भाई मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि देखो जबरदस्ती आप शादी भी कर लो फिर आपको प्यार ना मिले, आपकी लाइफ में वो लड़ाई झगड़े ही रहे, तो यू नो एक दिन आपका प्यार भी खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, और फिर आपको रिग्रेट होगा अपने ही डिसीजन पे, और फिर आपको अपने ही ऊपर। देखो मैं अगेन कह रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिसको यू नो डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू उसको मैसेज दे रहे हैं, तो प्लीज़ वही लोग लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही हार्श मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन टू, एंड लिटरली मेरी आवाज़ से आप लोग वो फील भी कर पा रहे होंगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस तरीके की रीडिंग करने को मिलेगी, लेकिन ऑप्शन टू मैं यहाँ पे, अगर आप मेरी राय जानना चाहोगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मूव ऑन करो और जस्ट अपनी हीलिंग पे ध्यान दो,
खुद को प्यार करने पे ध्यान दो, और जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में जिस पर्सन को भेज रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अगर आप अपनी जिंदगी स्टार्ट करोगे, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? मैं यहाँ से, वैसे तो शायद मुझे इस रीडिंग को यही स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज आपको जो मैसेज मिलना था वो मिल चुका है, लेकिन स्टिल मैं कुछ एडिशनल मैसेजेस के लिए आपकी रीडिंग में, कुछ मैसेजेस के लिए मैं और कार्ड्स भी निकालूंगी। एंड एक और चीज़, ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करी थी, वहाँ पे मैंने शादी की बात कैसा रहेगा वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताती हैं, है ना? तो मैं उस तरीके से आपकी रीडिंग नहीं करूंगी, बिकॉज आप के अभी डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। सो मैं यहाँ पे इस पर्सन के बारे में और नहीं देखूंगी कि आपकी शादी किससे होगी, बिकॉज अभी तो आपका डिसीजन आ गया ना, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल रही हूँ। अब आप कहोगे कि फिर ये डेस्टाइन लाइफ पार्टनर कहाँ हुआ? आपकी रीडिंग तो डेस्टाइन लाइफ पार्टनर पे थी, है ना? लेकिन देखो, समटाइम ये हमारी चॉइसेस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ही डिसीजन होने वाला है। ऑप्शन टू, यूनिवर्स ने आपके सामने दोनों ही चीजें रखी हुई हैं, ठीक है? अब मैं आपकी शादी के लिए यहाँ पे कुछ और गाइडेंस ले रही हूँ। ऑप्शन टू, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। पता है जब मैंने इस स्टोन को लिया था ना, और जस्ट मैंने इसको, मैं ये क्लींस एंड एनर्जाइज करती हूँ कि मुझे इनसे भी एडिशनल मैसेजेस मिल सके, मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिला था कि चीजें बहुत ही रफ हैं, चीजें जैसे खुरदरापन सा होता है ना जीवन में, कि कुछ भी इजी गोइंग हो ही नहीं रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे फील हुआ था। लेकिन मैंने कहा स्टिल मैं आपको इनिशियली ऐसा मैसेज क्यों दूँ, मैंने कहा कार्ड्स देख लेती हूँ पहले, तो इसलिए मैंने कार्ड्स देखे पहले, एंड अभी मुझे यही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। एट ऑफ सॉट्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। ऑप्शन टू, अच्छा तो बहुत सारे लोग ठीक है, जो मुझे फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिला ये कार्ड देख के, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि इस चीज को समझ रहे हैं कि उनको लेट गो कर देना ही बेहतर है, ठीक है? अभी नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आपके शायद ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आप अपनी उस जिद को छोड़ दोगे, और जैसे होता है ना कि सरेंडर कर देना डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, कि खुद को सरेंडर कर देना, कि जो आपकी मर्जी हो, जो आप चाहें, या फिर जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, वो मुझे आप गाइडेंस देते हैं, मुझे आप वो बताते हैं, मैं वही कर लूंगा या मैं वही कर लूंगी, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो, हिम्मत बहुत रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बहुत रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ऑप्शन टू। लेकिन घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, खुद को वीक नहीं करना है कि मैं वीक हूँ, या फिर अगर ये पर्सन मेरी जिंदगी से चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, आई नो। देखो, मैं जानती हूँ बहुत बहुत पेन होगा, बहुत तकलीफ होगी, मैं जानती हूँ इजी नहीं होगा, शायद मैं कह रही हूँ ये कहना इजी है, लेकिन आप लोग के लिए वो करना इजी नहीं होगा, लेकिन उतनी हिम्मत आपके अंदर है, मैं ये कह रही हूँ, आप कर सकते हो, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है? जिंदगी भर दुख झेलने से अच्छा है कि कुछ टाइम आप उस पेन को झेल लो, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है? लेकिन ये पेन भी एग्जैक्टली झेलना नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, आप जल्दी ही इन चीजों से निकल जाओगे, बिकॉज यहाँ पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक बार ही जब आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा ना आपकी लाइफ में, जो आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, आपसे प्यार कर रहा है, आपकी आपकी बातों को समझ रहा है, आपको समझ रहा है, तो आपको उस दिन अपने डिसीजन पे एक अच्छा फील होगा, आपको उस दिन अपने ऊपर प्राउड फील होगा, ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। प्रेजेंट की सिचुएशन टफ टफ है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है?
सो मैं अभी यहाँ से भी देखती हूँ ऑप्शन टू। कुछ लोग यहाँ पे इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं ना, लिटरली वो जैसे वो रोने के बाद गला हो जाता है ना मेरा, वो इस टाइम पे थ्रोट में हो रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, और ये भी यही कह रहा है भाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अपने लिए उनमें से चूज करो। एनवी नंबर 20, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। देखो किसी के लिए भी अपने स्टैंडर्ड को, या फिर स्टैंडर्ड कहूँ या फिर मैं कहूँ, कैसे बोलूँ इसको, आप गलत ले लोगे। कुछ लोग पता है मेरी बातों को गलत वे में, लेकिन मैं जो समझाने के लिए बोलती हूँ, लेकिन कुछ लोग उसे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के लिए भी खुद को जरूरत से ज्यादा डाउन नहीं करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, अपने आप से प्यार करना है। और कोई अगर आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको डिग्रेड डिमोटिवेट कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो जगह आपके लिए नहीं है। आप जबरदस्ती उस टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में कह रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना, जबरदस्ती आप उसमें जा रहे हो। लेकिन आपको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि आप इन चीजों के लिए नहीं बने हो। आप एक जो भी हो, बहुत ही एक पावरफुल पर्सन हो, एक पावरफुल पर्सनैलिटी के पर्सन हो, लेकिन ये जो प्यार, ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में आई या रही, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा वीक बना दिया है ना। आपने पहले जिन चीजों पे आप बहुत ज्यादा सोचते थे कि मुझे कैरियर में ये करना है, मुझे वो करना है, कहीं ना कहीं वो सब कुछ तो जैसे खत्म सा हो गया और बस एक ही चीज रह गई आपकी लाइफ में। तो अपनी लाइफ में और एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दो। स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअल होंगे, आप ईश्वर को मानते होंगे, भगवान जी को मानते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट करो। अब केवल ये नहीं कि मंत्र चैंटिंग कर लिया, या फिर बस हम ईश्वर ये कर दीजिए, भगवान जी ये कर दीजिए। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि अपने लिए खुद स्टेप लीजिए, अपनी हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए कि आपको मन की शांति मिल सके। एंड आप लोगों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जो एमेथिस्ट का स्टोन है, ये वेयर करना या ये पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इसका ब्रेसलेट वेयर करें। ठीक है, मैं स्टोन के साथ काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ब्रेसलेट अभी वेयर नहीं कर रही हूँ। तो आप इसको ब्रेसलेट वेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा, ये आपको सही और गलत समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं। एंड लास्ट में इस रेक से भी देख लेती हूँ, ऑप्शन टू। लेटी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में द लेडी, ये जो एनर्जी है, ये एम्प्रेस की एनर्जी है, कि आप लोग जो भी हो, आपकी, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो, कहीं ना कहीं ये जो टाइम है, ये खुद से कनेक्ट करने का वक्त है, अपने ग्रोथ पे ध्यान देने का वक्त है। और एक चीज मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग कहोगे कि फिर इतनी एनर्जी क्या मेरी वेस्ट हो गई, कितना टाइम मैंने इस पर्सन के साथ गुजारा, इतना टाइम मैंने इसको दिया, हाँ तो क्या ये वेस्ट हो गया? तो देखो, ये वेस्ट नहीं हुआ। आपने जो भी प्यार, अपना जो भी लव शेयर किया है, वो कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। यहाँ पे मोर पंख हैं कितने सारे। सो यहाँ पे एनवी का भी कार्ड है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे आपसे जलस हो सकते हैं, कि जलस हो या फिर आपकी ग्रोथ से जलस हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट आप लोगों को करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैसेज तो यही मिल रहा है, ड्रॉप योर शील्ड्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करने की खुद को जरूरत है। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड आए हैं आपके लिए। फर्स्ट इज शील्ड मिडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो अपने लिए न्यू प्लान्स बनाए, अपने आगे आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखें। और उसके बाद यहाँ पे एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपने ऊपर भरोसा रखें, ऑप्शन टू, अपने ऊपर भरोसा रखें। ठीक है,
ये चीज यहाँ पे कही जा रही है, अपने आप से कनेक्ट करें, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें और अपने ऊपर भरोसा रखें। ओके सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन टू, आई हो सकता है कि रीडिंग बहुत कम लोगों से रेजोनेट करी हो, या बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग ट्रिगर करी हो, या मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हो, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन आप लोगों को गाइड करना मेरा फर्ज है, मुझे आप लोगों को रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है, और जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए यहाँ पे यू नो ये रेजोनेट भी नहीं करा होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही यहाँ पे मैसेज आए हैं शायद से। तो प्रेयर्स करूंगी मैं आप लोगों के लिए कि यू नो जो भी आप डिसीजन लो वो सही हो, ईश्वर आपकी हेल्प करें और आपके अंदर इतनी शक्ति आ सके कि आप यू नो इस ये जो भी जी जंजाल जो भी टाइप है आप इससे बाहर निकल सके। ओके ऑप्शन टू, तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, जिनसे भी ये रेजोनेट करी, और आपके जो भी फीडबैक हो आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हो, ठीक है? आप जो भी मुझे बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड लेकिन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।